आज हम देखेंगे कि किस तरह से जब कोई भी लाइट रे आके कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आपने दूसरे वीडियो में देखा होगा या पढ़ा होगा, जो चार्ट मैंने आपको बतलाया था उस चार्ट की मदद से अब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहला पोजिशन क्या था उसमें, ऑब्जेक्ट की पहली पोजिशंस थी एट इन्फिनिटी, और इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रही थी, इमेज फॉर्म हो रही थी फोकस पे। ठीक है, तो ये आपकी थी पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, POO, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पोजिशन ऑफ इमेज क्या थी वहाँ पे, पोजिशन ऑफ इमेज मैंने आपको बतलाई थी वो हो जाएगी एट फोकस, तो एट F। और किस तरह की इमेज थी वो, रियल थी, इन्वर्टेड थी, रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटी इमेज बन रही थी। ठीक है, अब हम देखेंगे रे डायग्राम की मदद से कि कैसे ये संभव है। तो पहले हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, आउटसाइड पार्ट उसकी पॉलिश रहती है क्योंकि इंटरनल पार्ट जो रहती है वो रिफ्लेक्टिंग रहती है। पहले आप पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, ठीक है, यहाँ पे पी मार्क कीजिए क्योंकि ये पोल है। उसके बाद इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है जो भी रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल मतलब एकदम सीधी, कोई भी रे ऑफ लाइट टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं और अगर आप कोई भी लाइट रे इंडिकेट करते हैं तो उसमें ये एरो मार्क डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एरो मार्क नहीं डाला तो हो सकता है कि जब आपका रे डायग्राम करेक्ट हो फिर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिले एग्जामिनेशन में, इसलिए कंपलसरी है कि आप हमेशा एरो मार्क डालिए। ठीक है, अभी पहला ये रे पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जाके गुजरती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। सिमिलरली उसी तरह से हम दूसरी रे लेते हैं, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये भी जाके प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है, जिस पॉइंट से गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस को उसको हम फोकस बोलते हैं। आप देखिए मैंने डायरेक्शन ऑफ एरो से बताया हुआ है कि ये इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं क्योंकि ये आके टकरा रही है मिरर पे और ये आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। उसी तरह से ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह जा रही है बोल के आप एरो मार्क इस तरह दिखाइए, ये इस तरफ आ रही है बोल के डायरेक्शन ऑफ एरो आप इस तरह से दिखाइए। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, ये दोनों रे मिल रही है फोकस पे। ठीक है, मतलब आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे। ठीक है, और फोकस पे देखिए बहुत छोटी साइज़ की इमेज है, एक बिंदु मात्र साइज़ की इमेज है, इसीलिए ये रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड कहलाती है। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं। इसमें हम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े पीछे रखेंगे, बियॉन्ड सी। तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सो बिटवीन एफ एंड सी क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। ठीक है, ये किस तरह की इमेज होती थी, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज ये आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो पोजिशन ऑफ इमेज, ताकि आपको याद रहे जब आप रे डायग्राम बनाओ ये चीज़, ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग पे रख के ही रे डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, इसका बाहरी पार्ट हमेशा पॉलिश कीजिए, याद रखिए कभी भी इनसाइड पार्ट पॉलिश मत कर दीजिए, वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम मार्क करेंगे कैपिटल पी से क्योंकि ये पोल होती है। अब हमको यहाँ पे एक एफ बनानी है, सपोज़ अगर आपने इसके पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखा है तो आप इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस भी 2 रखिए, मतलब पी टू सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये भी 2 और ये भी 2, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये 4 होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए या तो एग्जामिनेशन पेपर पे, आप कभी भी उसको फ्री हैंड डायग्राम मत बनाइए, प्लीज़ आप स्केल और पेंसिल दोनों यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको मेजरमेंट लेने में गलती हो जाएगी, और अगर मेजरमेंट लेने में गलती होगी तो आपको परफेक्ट रे डायग्राम नहीं मिलेगा, कुछ गलतियाँ आएंगी। ठीक है,
और एक और चीज़ आप याद रखिए, कभी भी किसी रे को दोबारा ऐसे 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 करके मत बनाइए। आपने एक ही बार जो एक रे बना दी उसको पेंसिल को बहुत लाइटली इस्तेमाल कीजिए, उसको दो तीन बार ऐसे मत, उसको डार्क मत कीजिए, क्योंकि जितनी परफेक्शन रहेगी आपके रे डायग्राम में उतना ही वो अच्छा दिखेगा और उतने ही आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम मार्क करेंगे ए और बी से। बी को थोड़ा नज़दीक लिखिए। अब मैंने ये एरो जो बनाया है ऑब्जेक्ट ए के ऊपरी तरफ, ये इसलिए बनाया है ताकि इससे ये शो होता है कि ये हेड है और ये इसका बॉटम है, ये टॉप पार्ट है, ये ऊपरी हिस्सा है ऑब्जेक्ट का और ये निचले हिस्सा है। ठीक है, अब आप पहले एक रे आपकी कहाँ से आएगी, ऑब्जेक्ट के टॉप से, वो आने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, वो आपकी फोकस से गुजरती है। दूसरी जो रे रहेगी वो आपकी फोकस से गुजरेगी और गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये आपका नियम रहता है कि पहला नियम ये है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, और दूसरा नियम ये होता है कि जो लाइट रे फोकस से गुजरती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ पे। तो इसको आप मार्क कर सकते हो ए डैश और बी डैश। अब आप देखिए इमेज किसके बीच में फॉर्म हुई, एफ और सी के बीच में। अपन ने यहाँ पे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब इसका टॉप पार्ट ऊपर था, इसका टॉप पार्ट देखिए नीचे है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ए और बी मार्क कर रहे हैं तो इसको ए डैश और बी डैश मार्क कीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रियल है इमेज, इन्वर्टेड है और स्मॉल साइज है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरी कंडीशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखते हैं। तीसरी जो कंडीशन है उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो भी कहाँ होगी, से एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट भी रखी रहती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज भी बनती है। किस टाइप की इमेज बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ दोनों बराबर होती है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि अगर इमेज की साइज़, अगर ऑब्जेक्ट की साइज़ 4 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी 4 होगी, अगर ऑब्जेक्ट की 5 है तो इमेज की भी 5 होगी। अब हम देखेंगे रे डायग्राम की मदद से कि ये कैसे बनती है। तो अब हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, इसको पी मार्क किया। आप कभी भी मार्किंग वगैरह मत भूलिए इसमें, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखी जाती है बारीकी से, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मैं एक अंदाज़ के हिसाब से दोनों ले रही हूँ। आप हमेशा याद रखिए ये और ये लेंथ डबल होना चाहिए, इसके पी और एफ के बीच में जो भी लेंथ है, पी और सी के बीच में उसकी दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला जो रे है वो यहाँ से अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे पहले ऑब्जेक्ट को, सॉरी, इसको मार्क करेंगे ए, इसको मार्क करेंगे हम बी। तो जो पहली रे है वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे दिखाइए। दूसरी वाली जो रे है, एक मिनट, दूसरी वाली जो रे है वो फोकस से गुजरती है और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है, तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मिलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बिना स्केल के अगर डायग्राम बनाएंगे रे डायग्राम्स तो वो कभी कभी एग्जैक्ट नहीं आते हैं, इसीलिए स्केल और पेंसिल का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप रे डायग्राम्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ए और बी, पहली वाली जो रे रहती है वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे होती है जो कि फोकस से गुजरती है, और दूसरी वाली रे जो फोकस से गुजरती है वो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोनों रे कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होगा। किस तरह की इमेज है? रियल है, क्योंकि ये रेज जो हैं वो ओरिजिनली मिल रहे हैं एक दूसरे से, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए, और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो इसको हम ए डैश बी डैश से मार्क करते हैं, इसको हम ए बी से मार्क करते हैं। तो आज हमने तीन कंडीशंस थी वो देखी, जिसमें कि पहले हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी, दोबारा हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा, और तीसरी बार में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा। और तीनों कंडीशंस में हमने देखा कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। अब अगली वीडियो में हम बाकी के तीन कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।